अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आपकी जिंदगी 12 साल तक घट सकती है। हाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसे एनसीटी भी कहा जाता है, एनसीटी ऑफ दिल्ली में रहने वाले 1.8 करोड़ लोगों का जीवन WHO द्वारा सेट भारतीय निवासी की मिनिमम उम्र से तकरीबन 11.9 साल कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पूरे भारत में ऐसा ही एयर पॉल्यूशन जारी रहा तो भारतीय निवासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.5 ईयर तक कम हो जाएगी। वायु प्रदूषण जब फैलता है तो PM 2.5 का लेवल भी बढ़ता है। अब समझते हैं PM 2.5 क्या करता है। PM 2.5 उन महीन कणों को कहते हैं जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटा होता है। ये छोटे कण फेफड़ों के अंदर गहराई से घुस सकते हैं और रक्त प्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे श्वास संबंधी समस्याएं। PM 2.5 से अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वास संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। हृदय संबंधी समस्याएं, उच्च PM 2.5 स्तरों के संपर्क में आने से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता है। अगर प्रदूषण पे जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है।